आइए आज कक्षा नवम के विद्यार्थी संस्कृत पंचम पाठ नारी महिमा के पांचवे और छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणां सतम पिता सहस्त्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। ये संदर्भ तो आप वही लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डाल करके प्रसंग वो लिख लेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ने माता का स्थान कितना ऊंचा होता है इस विषय में बताया है। अब इसके आगे व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या लिखने के पूर्व आइए शब्दार्थ देख लीजिए। उपाध्यायान दस आचार्य, उपाध्याय किसे कहते हैं? उपाध्याय समझ लीजिए जो वेतन भोगी शिक्षक, या ये कह लीजिए जो कोचिंग पढ़ाने वाले अध्यापक, उन्हें आप उपाध्याय कह सकते हैं। मतलब जितना वेतन ले मिलना है उतना पढ़ाना है। और आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य उसे कहते हैं जो अपने शिक्षण के दायित्व का निर्वहन करने वाला है, चाहे उसके बदले में उसे वेतन कम मिले या ज्यादा मिले, उसे उसकी परवाह नहीं होती। जैसे गुरुकुल के शिक्षक हुआ करते थे, या अब भी जो अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करने वाले हैं, वेतन के अनुसार पढ़ाने वाले नहीं है, वे आचार्य कहलाते हैं। और जो केवल जितना वेतन मिलेगा उतना ही पढ़ाने वाले हैं, वो उपाध्याय कहे जाते हैं। ये उपाध्याय और आचार्य में अंतर। चलिए आगे, आचार्याणाम, दस माने दस हो गया, आचार्याणाम माने आचार्यों की, सतम माने सौ, अब पिता माने पिता, सहस्त्रम माने हजार, तू माने तो, पितृन पितृन माने पिताओं को, माता माने माता, गौरवेण गौरवशालिनी, गौरवेण माने गौरवशालिनी या श्रेष्ठ, अतिरिच्यते अधिक है, पूजनीय माने सम्माननीय, सम्मान करने योग्य, महाभागा सम्माननीय सम्माननीय स्त्रियां, पुण्याश्च पवित्र, गृहदीप्तय माने घर की ज्योति, स्त्रियः माने स्त्रियां, और श्रियः माने लक्ष्मी, गृहस्य माने घर की, उक्ताः माने कही गई हैं, तस्माद् माने इसलिए, और रक्षा माने रक्षा करने योग्य, विशेषता माने विशेष। तो ये आपका शब्दार्थ हो गया। अब आइए व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं कि दस उपाध्यायों
की अपेक्षा एक आचार्य श्रेष्ठ होता है, 10 उपाध्यायों से एक आचार्य बढ़ करके। और 100 आचार्यों से एक पिता का स्थान अधिक ऊंचा होता है। 10 उपाध्यायों से एक आचार्य श्रेष्ठ है और 100 आचार्यों से एक पिता श्रेष्ठ है और 1000 पिताओं से भी अधिक एक माता श्रेष्ठ है। माता का स्थान 1000 पिताओं से भी अधिक ऊंचा है। इतनी गौरवशालिनी होती है माता। इसलिए कहा गया है कि इन सम्माननीय स्त्रियों की सदैव पूजा की जानी चाहिए, अर्थात अच्छी प्रकार से इनका हृदय से आदर और सम्मान किया जाना चाहिए। यह स्त्रियां पवित्रता की साकार मूर्ति है, ये घर की ज्योति हैं, घर का उजाला है और इन्हें घर की लक्ष्मी कहा गया है, ग्रह लक्ष्मी। इसलिए इनकी विशेष प्रकार से रक्षा की जानी चाहिए और इनका विशेष आदर सम्मान होना चाहिए। तो ये आपका अर्थ हो गया। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। गौरवेण में तृतीय विभक्ति एक वचन और पुण्यास धन चा, पुण्यास में आप सरौता सा करके हलंत करेंगे, इसके बाद धन चा, इसमें स्चुत संधि है। और गृहस्य धन उक्ता, गृहस्य धन उक्ता, इसमें गुण संधि है। और उक्ताह में अक्ता प्रत्यय है और तस्मात तत्शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। बस आज से आपका ये पांचवा पाठ भी समाप्त होता है। अब आगे जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तकें हों, जिन्होंने संस्कृत की किताबें खरीद ली हों, वो हिंदी गद्य, वो गलत बोल रहे हैं, संस्कृत गद्य, संस्कृत गद्य, ये तो पद्य है, संस्कृत गद्य में कौन कौन पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं, वो हमारे व्हाट्सएप पर यदि कोई छात्र डाल देगा तो अच्छा होगा और हमारे पास जो पुस्तक है उसमें पाठ कुछ ज्यादा हैं, अधिक हैं, पुरानी पुस्तक है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में है, तो हम वही पाठ आपको गद्य से भी
पढ़ा देंगे। इसलिए जिनके पास भी, जिन छात्रों के पास किताबें हो, वे उन पाठों का नाम या हमारे पास फोन कर लेंगे, बता देंगे, और हम उन पाठों में गद्य के जो पाठ है संस्कृत गद्य में, उनमें अपना टिक लगा लेंगे और फिर वही पाठ आपको पढ़ा देंगे। बस आज इतना ही। जय हिंद।